स्टूडेंट दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 3 मिनरल पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इसमें हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि सनी मदर्स बिगिंस हर डे, जो सनी की एक लड़का या लड़की होगी उसकी जो मदर होगी वो अपने दिन की स्टार्ट करती है कैसे, स्विचिंग ऑन द गीज़र, गीज़र का स्टार्ट करती है। फिर वो क्या करती है, उसकी मम्मा सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करती हैं, ठीक है, उसको रेडी करते हैं, फिर किचन में जाके उसके लिए ऑरेंज जूस रेडी करती हैं, ठीक है। सनी हैव फिनिश टेकिंग बाथ, फिर वो बोलती है सनी तुमने नहा लिया है, आओ फिर नाश्ता कर लो, ठीक है। फिर जब वो नाश्ता कर रही होती हैं तो वो पैम्पर करती हैं, मतलब पैम्पर क्या मतलब उसके लिए प्यार करती हैं उसको, और उसके लिए फिर ब्रेकफास्ट स्कूल के लिए रेडी करती है, गैस स्टोव जलाती है, ठीक है। और वाइल गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाने के समय जो सनी होता है वो भूल जाता है स्विच ऑफ करना लाइट एंड फैन को। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ सी थिंक दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कम्फर्टेबल, जब वो स्विच को ऑफ कर रही होती है उसकी मदर सनी की, तो वो सोचती हैं कि सिटी में लाइफ कितनी कम्फर्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है, किसकी वजह से कम्फर्टेबल है, गैजेट्स की वजह से कम्फर्टेबल है ना, क्योंकि देखिए गीज़र है पानी गर्म करने के लिए, टोस्टर होते हैं, किचन में गैस स्टोव है, कूलर पंखे एसी हैं, तो ये सब आपकी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना देते हैं। किसकी वजह से, सब ये सब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आगे देखिए, नीचे देखते हैं, पावर और एनर्जी प्ले विटल रोल, जो पावर एनर्जी होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पावर का यूज़ सभी जगह होता है, कहाँ कहाँ, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, हर एक जगह होता है, ओके। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली जो पावर रिसोर्सेज होते हैं उन्हें भी कैरेक्टराइज्ड किया जा सकता है, कैसे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। फर्स्ट है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, तो हम देखेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज से देखते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो या जिनका यूज़ बहुत लंबे समय के लिए होता है। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन, फायरवुड जो लकड़ी जो जलाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है, केरोसिन वगैरह की, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। आगे देखिए फायरवुड, फायरवुड क्या है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, या कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज़ होता है ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों को एलपीजी गैस या जो घर में आपके गैस सिलेंडर होता है उनको नहीं मिल पाता है मोस्टली। ये कहाँ यूज़ होता है, विलेजर्स यूज़ करते हैं गांव में, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेंस होते हैं, जब वो हज़ारों साल मिलियंस ईयर तक ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, तो उसके बाद उसके हीट मतलब कि उसके अर्थ सरफेस के हीट एंड प्रेशर से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब होते हैं मेन सोर्स ऑफ, आगे देखिए मेन सोर्स ऑफ ये कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, जो इस मिनरल्स के जो रिजर्वेशन होते हैं या इन ये जो मिनरल हैं बहुत ही कम मात्रा में हैं, ये लिमिटेड हैं। और जिस तरह से हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इनका कंज्यूमिंग मतलब यूज़ करना बढ़ता जा रहा है, वह समय बहुत जल्द आएगा जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है कोल, कोल क्या है, कोयले की बात कर रहा है, कोयला भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही है, ये भी डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी होता है ना, आयरन और स्टील के, और पहले स्टीम इंजन था उसमें भी यह यूज़ होता था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है उसे थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे आज फॉर्म मिलियंस ऑफ, जो कोयला या कोल हम यूज़ करते हैं वह मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उसके बनने में, ठीक है। उसके बाद उसकी जब उसको निकालने के बाद उसको प्यूरीफाइड किया जाता है, उसके बाद वह ब्यूरीड सनशाइन बनता है, मतलब कि कोयला को क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्यों, काला हीरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो काला होता है और पहले जितनी इंडस्ट्रीज़ थे या स्टीम इंजन थे सब इनसे ही चलते थे। और द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर, सबसे ज़्यादा कोल कहाँ होता है, ये देखिए चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस वगैरह में होता है। और इंडिया में कहाँ होता है कोल, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो, जो कि झारखंड में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यूजेस दिया था
ऑयल नेचुरल गैस का ऑयल के एडवांटेज दिया है, देखिए ईजन इन ट्रांसपोर्ट टैंकर होता है, बेसिक पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके कि डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि मतलब ऑयल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रहा है। नेचुरल गैस का एडवांटेज दिया है कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, और इनको क्लीन करना ईजी होता है, या क्लीनियर मतलब यह साफ़ होता है, किससे, ऑयल से और कोल की अपेक्षा यह साफ होता है और सस्ता भी होता है, किससे, ऑयल से होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे है, यहाँ पे देखिए फायरवुड के बारे में भी दिया गया है कि जो फायरवुड होता है वह क्या है कि प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ लोगों को, इजी बहुत इजीली लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन क्या है कि इसका कलेक्शन करना पड़ता है। अब देखिए आपके पास एक लकड़ी है जिसको जला के तो खाना नहीं ना बना सकते, तो वैसे ही पॉल्यूशन अलग फैलाता है। हाँ, और प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके इफेक्ट को बढ़ाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर लकड़ी चाहिए तो आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब कोल के बारे में देखिए तो काफ़ी मात्रा में तो है, ठीक है, एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी इसका यूज़ होता था, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, नीचे यहाँ हाइडल पावर है, हाइडल पावर का एडवांटेज है नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूट नहीं करता है, एरीगेशन को फिशिंग को प्रमोट करता है, मतलब पानी इकट्ठा होगा जिस जगह तुम्हारा एरीगेशन और फिशिंग ईजिली हो जाएगा, सस्ता भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, उसके आसपास रहने वाले, मतलब जिस जगह आपको ये पावर हाइडल पावर लगाना होगा उस जगह के एरिया को खाली करना पड़ता है, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है। ओके, और एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको सेटअप करने में काफ़ी पैसे लगते हैं। आगे देखिए पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम है कि एज वेल द ऑयल डेट कीप्स यू साइकिल फ्रॉम स्क्रीन बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम के लिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ फॉर्म बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये कहाँ मिलता है, रॉक्स के बीच में मिलता है, एंड इज़ ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, कहाँ से ड्रिल होता है, ऑयल फील्ड से ड्रिल होता है, ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज, किस जगह से, कोस्टल एरिया से, दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरी, उसके बाद इसको रिफाइन सेंटर में भेजा जाता है जहाँ पे रिफाइन होता है, मीन्स जो है पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह जो यूज़ करते हो, वैक्स और सब चीज़ें, वह पहले प्योरीफाइड होती हैं और प्योरीफाइड होने के बाद ही आप उसका यूज़ करते हो। तो था ना वो कोयले से जो पेट्रोलियम बनता है उसी को देखिए कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, जो वेरी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, तो अगर पेट्रोलियम के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतार वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, और मेजर मतलब और अधिक कहाँ होता है, USA, रसिया, वेंजुएला, अल्जीरिया, ये सब जगह में भी अधिक होता है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ है, ये डिगबोई, असम, बॉम्बे हाई, मुंबई में, वहाँ वहाँ ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेचुरल गैस दिया है, तो नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं, तो नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, जो नेचुरल गैस होता है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट से बनता है। व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस, कब, जब क्रूड ऑयल सरफेस पे ले आया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है, कैसे यूज़ किया सकता है, डोमेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब घरों में भी और इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर रसिया, नॉर्वे, UK वगैरह में, नीदरलैंड में भी इसका जो है नेचुरल गैस काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूसर कंट्री हैं ये सब। और इंडिया में कहाँ होता है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे, त्रिपुरा पे, सब एरियाज, मुंबई के भी एरिया पे कुछ नेचुरल, मतलब मुंबई के कुछ एरिया पे भी नेचुरल गैस बनते हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे सफिशियंट मतलब पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड लेड टू दियर डिप्लेशन ऑफ एन अलार्मिंग रेट, और बता रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं वह अलार्मिंग रेट पे है, मतलब कब वो ख़त्म हो जाए, कब एग्जॉस्ट हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, द टॉक्सिक पॉल्यूशन रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉजेज ऑफ कंसर्न, अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक एन अनचेक्ड ट्रिपिंग अप। देखिए बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो ये फिक्स कर चुके हैं कि आपको कितने KM या कितने किलोमीटर जाने के लिए अपने कार या मोटरसाइकिल का यूज़ करना पड़ेगा, और कितनी दूरी पे जाने के लिए आपको अपने बाइसिकल का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पे है डू यू नो, देखिए
सीएनजी जो है कॉम्प्रेस नेचुरल जो गैस होता है वो बहुत ही पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। बहुत सारी गाड़ियों में आजकल सीएनजी सिलेंडर रखा होता है, ठीक है, इससे पॉल्यूशन कम होता है पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा। आइए आगे देखते हैं, आगे है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है ये देखिए, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम। जो रेन वाटर जो रिवर का वाटर होता है वो डैम में स्टोर होता है, ठीक है, और जब स्टोर होता है तो उसे काफ़ी ऊंचाइयों से गिराया जाता है, और जो पानी नीचे की तरफ पाइप से या डैम से देखिए जिस तरह से गिरता है फिगर में देखिए, ठीक है, ऊपर से जब काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्लेट्स लगे होते हैं, कुछ जनरेटर लगे होते हैं जो लगने के बाद मतलब इनको पावर मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी इनसे बनने लगती है, इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन, और वो पानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनने के बाद डिस्चार्ज होता है मतलब निकलता है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, एरीगेशन में करते हैं, ठीक है। अपने 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, अपने पूरे दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 1/4 हाइडल पावर से होता है। और हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, पारोग्यू, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना में बनती है। और कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन कहाँ हैं इंडिया में, भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा वहाँ पर, गांधी सागर नागर गांधी सागर पे दिखा होगा, और ये देखिए यहाँ पे एक और है नागार्जुन सागर डैम भी आपने सुना होगा वहाँ पे है, दामोदर वैली है वहाँ पे भी है। डू यू नो, देखिए नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री, नॉर्वे पहला ऐसा देश था जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया था, मतलब पानी से बिजली बनाने का तरीका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नॉर्वे से हुआ था, यहाँ पे भी है डू यू नो। तो द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर, जो बस शेल्टर बना था फर्स्ट सोलर और विंड पावर से, वह स्कॉटलैंड में बना था, ठीक है। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं, फिर देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल देखा था नॉन कन्वेंशनल देखिए। तो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू इट स्टोरेज, जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता जा रहा है उसके स्टोरेज को कम करता जा रहा है। इट इस्टीमेट डेट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, मतलब जिस तरह से आज इसका यूज़ होता जा रहा है भविष्य में यह बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, ओके। मोर ओवर दियर यूज़ ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और इसके अधिक यूज से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है, मतलब इनको इजली इनको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सोलर एनर्जी, तो सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरीडे, जो सन की हीट एंड लाइट होती है उसको हम डेली महसूस कर सकते हैं। जो सोलर एनर्जी होती है ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी सन से ट्रैप की जाती है, जो सोलर सेल में यूज़ किया जाता है क्या बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स होते हैं उसे ज्वाइन करते हैं, जनरेट करते हैं, देखिए इसी तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से सन के सामने ये लगे होते हैं, मतलब ऊपर छत पे सन होती है खुले में और ऐसे सोलर पैनल लगे होते हैं, क्या ट्रैप करती है सोलर एनर्जी, इससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। यहाँ देखिए पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनशाइन, देखिए। और बहुत से ऐसे देश जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किसी और माध्यम से लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे जो ये सोलर एनर्जी था एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया कि सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। सोलर एनर्जी और कहाँ यूज़ करते हैं, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, इन सब जगहों पर भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, आगे है विंड एनर्जी, ठीक, तो विंड एनर्जी भी देखते हैं। विंड इज एन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हवा है विंड वो तो कभी ख़त्म होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, देखिए देखते हैं कि विंड मिल्स की बात कर रहा है। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम जो विंड मिल होता है उससे क्या यूज़ बनता है, उससे भी जनरेट होता है, क्या जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आपने देखा है ना विंड मिल, इसी तरह देखिए होता है, उसे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो किस एरिया में होता है, कोस्टल रीजन में होता है या माउंटेन एरिया में होता है जहाँ बहुत तेज़ सर्द हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ पे है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा? नीदरलैंड, जर्मनी वगैरह में, यूके, यूएसए, स्पेन में ये ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं न्यूक्लियर पावर। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर एटम्स आर नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसी को न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम, उसी से न्यूक्लियर पावर बनता है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये देख रहे हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर पावर? यूएसए में, यूरोप में और इंडिया में, राजस्थान और झारखंड में होता है। तो राजस्थान एंड झारखंड में डिपॉजिट होता है लार्ज क्वांटिटी में यूरेनियम। ओके, आगे देखिए, थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। केरला के एक मोनोजाइट सैंड है, वहाँ पे थोरियम बहुत ज़्यादा होता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया, कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं इंडिया में जो कहाँ पे हैं? कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में काइगा पे हैं। क्या हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं? देखिए कलपक्कम का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जो थर्मल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जो हीट अर्थ से ऑब्टेन होता है उसे जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। जब हम अर्थ के नीचे जाते रहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपने अर्थ को खोदा किसी गड्ढा की, उसके जितने नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर उसका राइज होगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो ये हीट एनर्जी होती है मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कभी कभी जो एनर्जी जो या जो गर्मी हीट अंदर होती है जब अर्थ के अर्थ सरफेस के, वो कभी कभी ऊपर भी दिखाई देती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इसी हीट का यूज़ किया जाता है किसके लिए? पावर जनरेट करने के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।